लखीमपुर खीरी कांड हो या किसानों की समस्याएं, यूपी के अंदर भाजपा पर जब भी कोई बड़ी समस्या आई है तो वरुण गांधी ने समस्याएं कम करने के बजाय भाजपा की टेंशन को बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में जब जब भाजपा पर कोई कठिन समस्या आई है तो वरुण गांधी उस दौरान पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि हैसियत कम होने के बावजूद भी आखिर क्यों वरुण गांधी और मेनका गांधी लगातार भाजपा में जमे हुए हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी और मेनका गांधी दोनों की हैसियत कम भी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। आपको बता दें कि वरुण गांधी और मेनका गांधी की हैसियत भारतीय जनता पार्टी में लगातार कम की जा रही है। हालांकि भले ही वरुण गांधी अब भाजपा पर हमलावर दिखाई पड़ते हों, लेकिन 2004 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने जमकर कसीदे कढ़े थे। वरुण गांधी साल 2004 में जब भाजपा में शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हर सही सोच रखने वाले भारतीय को उस पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए जिसने देश को आगे बढ़ाया है। लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके बाद उन्हें भाजपा रास नहीं आ रही है। ज्ञात हो कि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी पिछली बार मोदी सरकार में मंत्री भी थीं। हालांकि दोबारा सरकार बनने पर उनका पत्ता कट गया। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद भी जहां मेनका बचाव की मुद्रा में है तो वरुण गांधी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। इस कारण से हैं भाजपा के साथ। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने जब से विरासत पर कब्जा किया है तब से मेनका की बस यही तमन्ना है कि वह उनका राजनीतिक पतन देखें। मेनका उस दल में रहना चाहती हैं जो सोनिया को सत्ता से दूर रख सके। इसी के चलते वह 1988 में जनता दल में शामिल हुई। फिर जब भाजपा उस स्थिति में आ गई कि वह कांग्रेस को चुनौती दे सके तो वह 2004 में भाजपा में शामिल हो गई। वरुण की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह लगातार पार्टी के खिलाफ जाकर ट्वीट कर रहे हैं। यही नहीं, फरवरी 2002 में ही उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की थी। यूपी चुनाव से पहले उन्होंने कोलकाता में पीएम की सफल रैली को विफल बताया था। 2014 में तो वरुण ने मंच पर मोदी मोदी के नारे सुनकर डांटते हुए कहा था, ये मोदी मोदी क्या है। इसके बाद उन्होंने 2005 में आरोप लगाया था कि दूसरे दलों की तुलना में भाजपा में युवाओं को कम मौका मिलता है। वह लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और पार्टी की लगातार वह कठिनाइयां बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सोनिया गांधी के बाद अब इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को प्रियंका और राहुल संभाल रहे हैं, जिसके बाद आखिर मेनका कांग्रेस खेमे में जाने का सोच भी कैसे सकती हैं। हालांकि इस बीच कई बार वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं सामने आई, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि गांधी बनाम गांधी को लेकर जो कड़वाहट खुली हुई है उसमें मिठास होगी भी तो कैसे। आज के इस किस्से में इतना ही। कल फिर किसी और नए राजनीतिक किस्से के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एशिया नेट न्यूज हिंदी।